आंकड़ों के जरिए समझा और फेज वाइज कैसे समीकरण बदल जाते हैं, कैसे माहौल बदल जाता है, ये भी हम आगे आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब में भी चुनाव है और चुनावी माहौल में वहां क्या हो रहा है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती है। पंजाब की सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी आज मोगा में मालविका सूद के घर जाएंगे, जहां उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल किया जाएगा। सोनू सूद पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मालविका मोगा से ही चुनाव लड़ेंगी। मोगा की बात की जाए तो इससे पहले आम आदमी पार्टी मोगा से डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। और अब सोनू सूद, जिनकी पहचान बड़ी है, मुंबई से भले ही ताल्लुक रखते हो, फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना हो, लेकिन कोरोना काल में उनकी एक अलग छवि उभर कर आई। और इस बीच अब उनकी बहन की चर्चा हो रही है, क्योंकि बहन उनकी कांग्रेस पार्टी का आज विधिवत दामन थामने वाली है। आज ऐलान हो जाएगा मोगा वो सीट जहां से वो चुनाव लड़ने वाली है। मोगा को लेकर हम आपको ये बता दें, तीन सीटें हैं वहां पे और तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी है। दीपक इस वक्त हमारे साथ है। दीपक, हम आपसे मोगा को पहले सबसे पहले समझेंगे कि क्या ये पहले ही बातचीत हो गई, पहले तय हो गया और उसके बाद सोनू सूद की बहन पार्टी ज्वाइन कर रही है कि वो मोगा से ही चुनाव लड़ेंगी? देखिए, इस बारे में पहले ही सोनू सूद ने साफ कर दिया था, क्योंकि आज काफी देर से लगाए जा रहे थे। हाँ। सोनू सूद ने पहले ही साफ कर दिया गया था कि उनकी बहन मालविका सूद मोगा विधानसभा हलका से ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी कौन सी है ये साफ नहीं हो पाया था। और आज अभी दो दिन पहले जो एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था जो मालविका सूद है कांग्रेस से मोगा से चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसका खंडन करते हुए मालविका ने कहा था कि अभी उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आज सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और जो हरीश चौधरी है वो उनके घर पे पहुंच रहे हैं, उनके घर के बाहर ही यहाँ मौजूद है, यहाँ पे पूरी तैयारियां चल रही है। और दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के करीब है जो चरणजीत सिंह चन्नी और हरीश चौधरी इनके घर पे पहुंचेंगे। सोनू सूद देर रात ही घर पे पहुंच गए थे। और दीपक, मैं आपसे ये भी पहले चुनावी माहौल में समझना चाहती हूँ कि मोगा वो जगह है जहाँ कांग्रेस पार्टी का पहले से ही दबदबा है, ये वो जिला है। सोनू सूद की बहन के आ जाने से क्या बदलेगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, सोनू सूद की बहन के आने से काफी कुछ समीकरण है जो बदल सकते हैं, क्योंकि सोनू सूद एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। उन्होंने जो कोरोना काल में काम किया है, कोविड में काम किया है, उसको लेके लोग काफी पसंद करते हैं। क्योंकि अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में पहले ही कांग्रेस चलिए जब वो विधिवत पार्टी ज्वाइन करेगी उसके बाद भी हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इस बीच हम अगली खबर का भी जिक्र करें, जहां जहां चुनाव है सिलसिलेवार तरीके से चुनावी माहौल की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। अब तीसरा जो चुनावी राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक ही फेज में चुनाव होना है और वो तारीख है 14 फरवरी। 14 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो जाना है, जिसे देखते हुए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है, जिसके लिए 11 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होने वाली है। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि कांग्रेस इस बार एक फैमिली एक टिकट के फॉर्मूले के आधार पर टिकट देने वाली है, यानी एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा, यह कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनी बैठकों का दौर तेज कर दिया है। उत्तराखंड के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे हमारे साथ हैं। आप लोग की बैठकों का दौर लगातार जारी है, पहले भी आप लोगों ने बैठक की है, अब तक कोई भी सूची नहीं आई है उत्तराखंड की, क्या प्लानिंग है और किस तरह से टिकट दे रहे हैं? नीरज जी, उत्तराखंड के चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो उम्मीदवारों का चयन है इसकी प्रक्रिया सतत पिछले एक महीने से शुरू है और इसके लिए दो हमारी चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और काफी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार को एक पिक्चर क्लियर उभर कर आया है। 11 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की पुनः बैठक है और उसमें मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के सभी वरिष्ठ नेतागण और वहां से आए हुए सुझाव और साथ ही साथ हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो टीम है प्रभारी महोदय और उनके नेतृत्व में, उनका सबका फीडबैक मिलकर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम अपना फाइनल प्रस्ताव रखने में। एक सवाल बार बार उठता है कि क्या उत्तराखंड में एक फैमिली एक फॉर्मूला लागू होगा, यानी एक फैमिली को एक ही टिकट या फिर उसमें किसी को एक्सेप्शनल छूट दी जाएगी एक्सेप्शनल तरीके से? देखिए, हमेशा से संगठन का एक बहुत मौलिक उद्देश्य होता है कि जो कार्यकर्ता जो जमीन पे काम कर रहा है और जिसमें चुनकर आने की सक्षमता हो, ऐसे उम्मीदवारों को हम लोगों के सामने पार्टी के चेहरे के रूप में पेश करें।
अगर कहीं पर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप पर अगर उसकी इतनी सक्षमता है कि वो चुनकर आ सकता है तो उसमें, और अगर लेकिन वो किसी फैमिली का सदस्य है,